दोस्तों, सनी देओल और अमीषा पटेल की फिल्म गदर 2 रिलीज के लिए बिल्कुल तैयार है। फिल्म को यूए सर्टिफिकेट मिल गया है, जिसका ठीक मतलब है कि फिल्म को कोई भी देख सकता है। 11 अगस्त को मूवी रिलीज हो रही है। ऐसे में ट्यूसडे से फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। गदर 2 के पहले और दूसरे दिन के एडवांस बुकिंग के आंकड़े सामने आ चुके हैं, जो इस बात की गवाही देते हैं कि फिल्म कितनी कमाई कर सकती है। गदर 2 का अनाउंस होने के बाद से ही फैंस के अंदर तारा सिंह और सकीना की अमर प्रेम कहानी देखने के लिए उत्साह बढ़ गया। दोस्तों, फिल्म की एडवांस बुकिंग इस ओर इशारा करती है कि फिल्म पहले दिन कितनी ओपनिंग लेगी। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक ओपनिंग डे एडवांस बुकिंग में गदर 2 ने कुल 10,000 टिकट बेचे हैं, जिसकी सेल्स 25 लाख तक हुई है। वहीं दूसरे दिन की बात करें तो गदर 2 ने दूसरे दिन में 12 से 13,000 के टिकट बेचे हैं, जिनकी सेल्स लगभग 30 लाख के करीब पहुंच गई है। और दो दिन में लगभग 45 से 50 लाख के बीच की एडवांस बुकिंग में कमाई गदर 2 ने की है। फिल्म डायरेक्टर अनिल शर्मा ने एडवांस बुकिंग पर अपडेट दिया है। उन्होंने कहा है कि जयपुर का राज मंदिर एक हफ्ते के लिए पूरी तरह से फुल हो गया है, जबकि आईनॉक्स, पीवीआर और बाकी मल्टीप्लेक्स की बुकिंग कल से ही शुरू हुई है। गदर 2 को इस कदर प्यार देने के लिए अनिल शर्मा ने ऑडियंस का शुक्रिया अदा किया। सिनेपोलिक्स, मूवी मैक्स और मिराज में गदर 2 की ठीक ठाक ओपनिंग हुई है। सिनेपोलिस में पहले ही दिन 1800 टिकटें बिकी हैं, वहीं मूवी मैक्स में 700 और मिराज में 500 टिकटें बिकी हैं। रिपोर्ट के मानो तो फिल्म को सिंगल सेल्स में सोलिक सेल्स रिस्पांस मिला है। दोस्तों, गदर 2 से जुड़े सभी अपडेट और अपनी ट्विस्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को भी लाइक कर दें।